बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? दुआ सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है जो सब्जियों के लिए, जो पनीरियों की जो तैयारी है ना, ज़मीन की तैयारी पनीरी काश्त करने के लिए, उसके बारे में है ये वीडियो हमारी। तो ये हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसकी तैयारी करनी है। ये ज़मीन है, ये देखें, ये पनीरियों के लिए हमने एक मखसूस थोड़ी सी जगह, ये तकरीबन आप देख रहे हैं, ये हमने इसको तैयार कर रहे हैं। इसको हमने पहले पानी लगाया था, उसके बाद उसका फ़ायदा हमें ये हुआ है कि जो गंद जड़ी बूटियां उसका उगाव हो गया है। तो उसके बाद हमने इसको दोबारा से हल लगाए हैं और इसके बाद हमने इसको रूटर जो है ना वो इस्तेमाल करना है। इसमें पनीरी की काश्त के लिए बहुत अहम है कि इसकी जो ज़मीन है ना बहुत ही इस तरह से होनी चाहिए कि जिस तरह से पौधे टाइप बहुत ही नरम होनी चाहिए। ये देखें, ये अभी आपको नज़र आ रहा होगा, ये अभी ना इसमें ये देखें, ये मोटे मोटे हैं, ये इस तरह से इसको बारीक करना बहुत ही ज़्यादा। ये जब इसको इस तरह से कर देंगे तो पनीरी की जो उसमें उगाव है ना वो बहुत इंशाल्लाह बेहतर होगा, आपका 100% होगा तकरीबन। तो रूटर आ रहा है अभी, तो इसमें जो हम पनीरी की काश्त करें वो भी आपको बताएं कौन कौन सी पनीरी हम इसमें लगा रहे हैं। इसमें हमने जो है ना पनीरी, सबसे पहले हमने टमाटर की पनीरी जो है वो इसमें हमने ये उसका करना है। उसके बाद इसमें हमने जो टमाटर की पनीरी काश्त करनी है, इसमें हमने प्याज जो कण जिसको कहते हैं वो काश्त करनी है, मिर्च की पनीरी काश्त करनी है, इसके अलावा जो बैंगन या बैंगनी जो होती है उसकी पनीरी काश्त करनी है। तो उसके लिए हमने ये ज़मीन तैयार करनी है। ये पीछे देखें, ये कैमरा मैन आपको दिखाएगा, ये हमारी मकई थी तकरीबन 2-2.5 एकड़ है ये। इसमें हमने जो है ना वो ये भी ज़मीन हमने तैयार करनी है टमाटर के लिए। तो ये अभी यार रूटर हमारा आ रहा है तो वो आपको दिखाते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना वो आपको बताएंगे कि टमाटर की किस तरह से काश्त करनी है, उसकी आगे पनीरी को जो मुंतकिल करते हैं वो किस तरह से करना है वो भी हम आपको बताएंगे। और ये आ रहा है हमारा रूटर, तो उसके बाद आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये ज़मीन नरम हो जाएगी। मुरब्बा निब्बू लाए हमारी तैयार होगी जिस तरह की हम चाह रहे थे उस तरह की होगी है। तो इंशाल्लाह ये इसमें अब हम क्यारियाँ निकालेंगे कल, और उसके बाद जो है ना वो पनीरी की काश्त करेंगे। ये कोशिश करें कि जो पनीरी है ना वो क्यारियों में, छोटी छोटी क्यारियों में आप इसको काश्त करें। उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी ज़मीन अगर कहीं से लेवल अगर नहीं है ना तो पानी जो है वो क्यारियों में उस हिसाब से बराबर पे लगेगा। अगर आप इस तरह से नहीं करते तो पनीरी की जो काश्त है वो आप जो है ना वो एक जैसी कर देंगे, बीच में कोई इसके क्यारियां नहीं करेंगे तो उसका जो है ना आपको नुकसान होगा। तो पानी आपका उससे सही नहीं लगेगा, तो उससे आपको ना जो है वो फ़ायदा नहीं होगा। ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी जो है ना वो तैयार होगी ज़मीन। तो इसमें हम जो है ना कल इंशाल्लाह जो है ना वो पनीरी काश्त करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आपने किस तरह से काश्त करनी है, और उसके अलावा जो है ना वो क्यारियां भी आपको बना के दिखाएंगे किस तरह से क्यारियां बनानी है। और ये हम जो है ना कल काश्त करेंगे इंशाल्लाह। कल आपको एक नई वीडियो के साथ जो है ना इंशाल्लाह मिलेंगे आपको।
जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आप भाइयों का, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट्स में बताया दिया करें कि किस तरह की हमारी वीडियो लग रही है आपको। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया भाई।